दंतोड़िया में महिला बाल विकास विभाग रतलाम द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम था, जिसमें कोरोना के लक्षण क्या है, वो कोरोना से बचाव के लिए किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेकर विजिट पर आई टीम ने गाँव दंतोड़िया में भ्रमण किया और लोगों को जानकारी दी और गाँव के लोगों से अपील की है कि सावधानी ही सुरक्षा है, यह महामारी कभी भी किसी को भी गाँव में प्रवेश कर सकती है। इसका एक ही इलाज है, सावधानी, जो हम आसानी से कर सकते हैं। हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना इत्यादि, जो हम आसानी से कर सकते हैं। कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग रतलाम के परामर्शदाताओं ने जिन बच्चों का विजिट गांव का करवाया, उनको भी अपने अपने घर मोहल्ले में जानकारी पहुँचवाना व किस तरह हम कोरोना से सुरक्षित रह पाएँ, ये करना है और औरों तक जानकारी पहुँचाना है। इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के परामर्शदाता डॉक्टर अनिल चौहान, विजय राखवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सपना रानी गोयल, ममता वर्मा व विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता में जागरूकता पैदा करना था। और आज जो स्टूडेंट आए फर्स्ट ईयर के, मैं फाइनल कर चुकी हूँ और उस फाइनल के अंतर्गत मुझे इस जो BSW जो सब्जेक्ट जो हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नेतृत्व सामुदायिक क्षमता के अंतर्गत, तो उसमें यही मैं स्टूडेंट को भी यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी कार्य जैसे अभी कोरोना है तो उसके अंतर्गत जो भी सर ने भी बताया उसके अंतर्गत अपने को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, जो अपने मतलब अपने गांव को बचाने के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए। और स्टूडेंट को भी मेरे माध्यम से तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो अपन सब्जेक्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से अपनी अपने क्षेत्र में भी अपन अगर कुछ करना चाहें तो अपन अगर अपना उद्देश्य ये कि हम करना चाहते हैं तो अपन कर सकते हैं। मैं महिला बाल विकास विभाग द्वारा और पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नेत्र क्षमता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके तहत हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों वर्ष का ये प्रोग्राम है और प्रथम वर्ष में हमने स्वच्छ भारत ग्राम स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम दिया था, जिसमें प्रोजेक्ट पे बनाना गांव में काम करना पड़ता है। इसके तहत हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर की जो छात्रा है ममता वर्मा, उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया है और हमने स्वच्छता के ऊपर लोगों को जानकारी दी और लोगों को जागरूक किया कि अपन कैसे हाथ धोना चाहिए और हाथ धोने के कौन कौन से स्टेप है उसके बारे में विस्तार से बताया, ताकि अपन अगर हाथ ही अच्छे धोएंगे तो अपन कई बीमारियों से बच सकते हैं। और जो मेरे साथ में यहाँ पर प्रथम वर्ष सामाजिक BSW के जो विद्यार्थी हैं वो मौजूद हैं, हमारे साथ ये विजय राघवा सर भी आए हुए परामर्शदाता हैं। और आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कोरोना के संबंध में, जो अभी महामारी चल रही है इसके संबंध में एक जागरूकता फैले और ये बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी इन लोगों को सबको प्रदान हो, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत ये जानकारी दी गई है कि जो कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है और एक दूसरे से ये फैलता है, इसलिए इसके कुछ लक्षण होते हैं जिनके बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। जैसे सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा है, खांसी हो रही है या बुखार आ रहा है, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उनको जाना है और वहाँ पर उनकी जांच होगी। और जो जब भी ये घर से बाहर निकले तो उस समय एक आम व्यक्ति को भी ध्यान रखना है कि वो अपने चेहरे पर मास्क रखे, और मास्क बहुत आवश्यक है क्योंकि सांस के माध्यम से संक्रमण जो है अंदर चला जाता है फेफड़ों में और फिर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। रतलाम से नारायण चौधरी की रिपोर्ट।